आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूले, और फॉर्मूले में बात करेंगे टैक्स कैटेगरी के फॉर्मूले की। और इसकी मेरी हमारी दूसरी क्लास है, और दूसरी क्लास में हम कुछ ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि हम दो टैक्स को आपस में स्प्लिट कैसे करें। स्प्लिट पे हम दोबारा आएंगे, उससे पहले हम ज्वाइन के बारे में देख सीखते हैं कि अगर यहाँ पे सुजीत लिखा है और दूसरे सेल में हमारा कुमार लिखा है तो इसको ज्वाइन करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसमें कॉनकाटा नेट का फॉर्मूला लगा लें, सेपरेटर देना है तो स्पेस किसी में सेपरेटर दे दे और इसको सेलेक्ट कर ले, ये आपका आ जाएगा। दूसरा, हम यहाँ पे एन परसेंट भी लगा सकते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया एन परसेंट, हम यहाँ पे कुमार देंगे। तीसरा, ये दूसरा हो गया, दो तरीके यहां पर है। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि हमारे पास नेम बहुत सारे हैं, इस तरह से बहुत सारे नेम है, और मुझे यहां पे अगर फॉर्मूला सबको इकट्ठा मर्ज करना है तो मुझे एक एक करके कॉन्करेंट में कॉन्करेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, एक एक करके मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, एक एक करके पूरा रेंज नहीं दे सकते। इस तरह से हमें वन कॉमा फिर दूसरा कॉमा फिर तीसरा कॉमा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या तरीका है? तो देखिए, उसके लिए अगर आप 2016 से पहले की बात करें तो उसके लिए कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन 2019 में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास उसके लिए है। क्या है? तो दो फॉर्मूले, एक है कॉनकेट का फॉर्मूला, इक्वल CON कॉनकेट, कॉनकेट को दीजिए पूरा रेंज सेलेक्ट कर और एंटर, रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज देखा कि सेपरेशन नहीं, सबको मर्ज कर दिया, क्या? तो सेपरेशन चाहिए तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट, एक मिनट सर, हो गया, टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला, टेक्स्ट ज्वाइन। इसमें मुझे सिलेक्ट बताना पड़ेगा कि सेपरेटर क्या है, तो हमने बोला कॉमा है, कुछ इग्नोर करना है नथिंग, और इसके बाद हम यहां पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको सेपरेटर लगा दिया। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको 2019 या ऑफिस 365 में ही दिखेगा। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते इसमें
इसमें मैं आ गया। तो ये तो हो गया, लेकिन ज्वाइंट अगर सिंपल करते हैं, अगर ज्वाइंट में डेट है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस तरह से कुछ डेट लिखना चाहता हूँ, मैं मर्ज करना चाहता हूँ कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये चाहे जो फॉर्मूला लगाए, टू दे दिया हमने सेपरेटर, हमने ये दे दिया, तो ये आपका नंबर आएगा। जैसे कि हमने पहले बता दिया कि डेट एक्चुअल में डेट नहीं होता, एक्चुअल में इसका एक फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल पे चलता है, लेकिन मुझे चाहिए डेट फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें देंगे डी डी स्लैश MMM स्लैश वाई वाई, और यहां भी हम देंगे ऐसे ही टेक्स्ट टेक्स्ट, और इसमें भी अपना फॉर्मेट, चाहे डेट का फॉर्मेट हो या टाइम का फॉर्मेट हो, हम ऐसे ही देंगे। हेलो सर, 20 मिनट पे स्टार्ट होगी, 20 मिनट में मिलेगा। और फिर ये जो मर्ज कर रहे हैं, मर्ज कर, ठीक है, तो आप यहां भी इकट्ठे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है टेक्स्ट फॉर्मूला? अब टेक्स्ट से कुछ सिंपल फॉर्मूला है उसको जान लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल और करेंगे। तो हमने आपको कैर क्लीन कोड कॉनकेट, इसमें आपका डॉलर और एक एग्जैक्ट है, तीन डॉलर और पहले फिक्स को पढ़ते हैं। जैसे हमने कोई नंबर दे दिया, तो इस नंबर पे हो सकता है कि हम गलती से डेट का फॉर्मेट या परसेंटेज का फॉर्मेट कुछ ऐसा कर दें, तो ऐसा कुछ करने पर चेंज ना हो, तो इसलिए हम इस नंबर को डॉलर के अंदर में ला देते हैं। तो आपको रुपीज का या डॉलर का जो भी आपका करेंसी करेंसी कोड दिख जाएगा। और दूसरा, अगर आपको करेंसी कोड नहीं चाहिए तो हम फिक्स के अंदर डालते हैं, फिक्स। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर मैं किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग करूंगा, इसका इस्तेमाल कर सकते। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है एग्जैक्ट का। अब यहां पे देखिए, जैसे कि मैंने यहां पे राम लिखा हुआ है और यहां पे राम है, ये दोनों आपस में बराबर कैसे होगा? क्योंकि आप नॉर्मली सिलेक्ट करोगे तो ये आपको बराबर दिखाएगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मैच करनी है, तो हम एग्जैक्ट फॉर्मूला के अंदर में दोनों को डालेंगे। पॉज दिखा, दोनों अगर एग्जैक्ट फॉर्मेट में होगा तभी आप ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, जैसे जैसे कि आपका पासवर्ड वगैरह में होता है। ओके आगे बढ़ते हैं जी। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम एग्जैक्ट यूज करते हैं, उसका फाइंड कहा दिया, फिक्स था, लेफ्ट लोअर राइट सब्स्टिट्यूट, बाकी सारे फॉर्मूले तो हम पढ़ ही लिए हैं। इसमें एक टी का फॉर्मूला है, उसको एक बार जान लेते हैं। जैसे कि एक टेक्स्ट है, एक ना एक लिस्ट में एक कॉलम में कहीं कहीं पे टेक्स्ट है और कहीं कहीं पे नंबर्स है, तो आपको सिर्फ नंबर को शो करना है, तो इक्वल हम टी फॉर्मूला लेंगे टी। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर शो, नंबर को ब्लैंक कर देगा और सिर्फ टेक्स्ट को शो करेगा, टी फॉर्मूला होता है।
इसमें आगे बढ़ते, अगला यहाँ पे एग्जांपल आता है कि जो हमने आपको सेपरेशन का फॉर्मूला बताया था उस पे चलते। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नेम है, नेम जैसे कि यहाँ पे हमने पूजा सिंह राम, अब मुझे इसमें से तीनों को अलग करना है। जान लीजिए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको हम एक क्वेश्चन देंगे अभी करने के लिए, ठीक है। तो मुझे इसमें फर्स्ट नेम, इसमें मिडल नेम और इसमें लास्ट नेम चाहिए। तो यहां पे हमने फॉर्मूला लगाया फाइंड का और हमने बोला स्पेस और हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने वन दे दिया, ये आपका फाइव आ गया, ठीक है। तो हम यहां पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं फाइव माइनस वन, तो आपके सामने पूजा आ जाता है। तो फर्स्ट नेम हमारा फिक्स है, फर्स्ट नेम जो भी हो वो आ जाएगा। फिर हम मुझे मिडिल नेम निकालना है, तो मैं यहां पे फॉर्मूला फाइंड का दिया और इसमें हमने स्पेस को फाइंड किया। अब प्रॉब्लम है कि अभी भी मैं वो सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं तो यहां भी पांच ही आएगा ना, लेकिन मुझे पांच नहीं चाहिए, मुझे पूजा के बाद की स्पेस नहीं, सिंह के बाद की स्पेस चाहिए। तो यहां जो लास्ट में हम देते हैं एन वन देते हैं, ये होता है स्टार्ट नंबर, मतलब कि आपकी फाइंडिंग स्टार्ट कहां से होगी। तो यहां पे हमने बोल दिया यहां फाइव प्लस वन, हमने क्या बोला फाइव प्लस, और रिजल्ट आपके सामने है 11। अब मुझे पूजा के बाद जो स्पेस है उसका फाइव और सिंह के बाद स्पेस फाइव, और दोनों स्पेस की दूसरी दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे हम देंगे मिड, मिड हम इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि फाइव प्लस वन, मतलब कि छठे से स्टार्ट करना है, छठा कौन सा होगा सिंह, मतलब एस, एस से स्टार्ट करना है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना होगा, तो मुझे ए के बाद वाली जो स्पेस है उसमें से ए के बाद वाली स्पेस, पूजा के बाद वाली स्पेस को माइनस करेंगे तो एस और एस की दूरी निकल जाएगा। तो यही हमने किया कि सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, सिंपल से याद रखिए, इलेवन माइनस फाइव करेंगे तो हमारा सिक्स आ जाएगा और सिंग फाइव है, तो सिक्स मतलब कि स्पेस तक का दूरी आया है, एक स्पेस इसमें आ गया है, एक माइनस कर देंगे। और फिर लास्ट के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला राइट का, यहां पे आते हैं हम बोलते हैं कि इसमें से यहां पे लिखा R I G S T राइट, इसको सेलेक्ट किया, हमने बोला इसमें से कि लेंथ, इसकी कंप्लीट लेंथ जो है उसमें से हमें, सॉरी नहीं सेलेक्ट किया मैंने, उसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो माइनस करना है 11। ऑटोमेटिक हो गया कि मैं यहां पर लिखता हूं सुजीत कुमार सिंह,
तो किसको किसको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताएंगे? इसमें ये तीन फॉर्मूला है, इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला समझ में नहीं आया? जो सेपरेशन होता है ना, जो हम माइनस करते हैं प्लस करते हैं, तो उसका थोड़ा फंडा क्लियर नहीं हो रहा है। हमें तो सिंटेक्स समझ। इन तीनों को अलग अलग करना है, हमें तीनों को अलग अलग करना है, और सेपरेटर है स्पेस। तो हमने दो स्पेस है, तो हमारे पास फाइंड का फॉर्मूला है, राइट, जो कि शुरू से चलता है और इस स्पेस जहां पे आएगा वहां पे रुक जाएगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके दे देगा। तो पहले को इसने 7 दे दिया, ठीक है, बट दूसरे में कैसे पता चलेगा दूसरा करना है? तो जो हमने स्टार्टिंग में 1 न देख के हमने बोल दिया 7+1, मतलब कि तुम स्टार्ट ही करो पहले स्पेस के बाद, ठीक है। तो इसने यहां पे ये दे दिया 30। अब मुझे क्या करना है कि 7 से पहले की दूरी निकालनी है, तो उसके लिए हमने सिंपल लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया और 7-1 कर दिया, तो 7 से पहले वाले करेक्टर उठा के दे दिया। अब मुझे बीच का चाहिए, दोनों स्पेस के बीच का चाहिए, क्या बोले बस बोल रहे सर? 7+ हाँ, मैं बोला 7+1 क्यों किया आपने? 7 फाइंड में, अब देखिए अगर हम नहीं दे करेंगे तो फिर वो 7 ही देगा ना, हमें यहां दूसरा स्पेस ढूंढना है ना सर, समझ रहे हैं? तो दूसरा स्पेस कैसे ढूंढेगा? हमने फाइंड को बोला कि फाइंड बोलता है स्टार्ट नंबर, भाई ढूंढना कहां से है? तो हमने बोला भाई ढूंढना आपको पहले स्पेस के बाद से, क्योंकि पहला स्पेस ढूंढा जा चुका है, तो पहले स्पेस +1 कर दिए, तो पहले स्पेस के बाद से जो ढूंढेगा उसको दूसरा स्पेस मिलेगा। तो दूसरे स्पेस की लोकेशन दे देगा कितना करेक्टर पे दूसरा स्पेस है, आया समझ में? अब इसको मुझे डेटा चाहिए स्पेस से पहले की चाहिए, तो हमने बोला कि भाई स्पेस -1, स्पेस की जितनी स्पेस तक जितना लेंथ है उसमें से एक कम उठा लो, इसने उठा लिया। अब हमें कुमार को बताना है कि पहले स्पेस के बाद और दूसरे स्पेस से पहले जितनी भी लेंथ है वो उठा लो। तो हमने यहां पे मीट को बोला पहले स्पेस के बाद, उठाना कहां शुरू करना है? पहले स्पेस के बाद से करना है, और कितना करेक्टर उठाना है? तो हमने बोल दिया कि दूसरे स्पेस में से पहले स्पेस को घटा दो, जितना करेक्टर बचता है उतना करेक्टर हटाना है। मुझे 7वां कैरेक्टर से 13वां कैरेक्टर उठाना है ना, तो हमने बोल दिया 13-7, जो लेटर आया उतना कैरेक्टर वो अलग कर दिया। फिर राइट में हमने बोला यहाँ पे कि भाई इसकी, अब मुझे राइट में मुझे ये नहीं पता है कि कितना कैरेक्टर है, क्योंकि हमें दूसरे स्पेस तक की दूरी पता है, उसके बाद की दूरी नहीं, तो दूसरे स्पेस के बाद की सारी दूरी उठाना। तो हमने बोला कि भाई जितना इसके सेल में टोटल लेंथ है ना, सुजीत कुमार सिंह तीनों मिलकर मिला के जितना लेंथ बनता है, उस लेंथ में से दूसरे स्पेस का लेंथ माइनस कर दो, तो राइट वाला जो आपका लास्ट नेम है वो अलग कर देगा, ठीक है सर? ये वाला लास्ट वाला थोड़ा सा और समझा दीजिए। लास्ट वाले में हाँ ये वाला, हाँ राइट। एक मिनट बताता है, यहां हमें राइट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो राइट के फॉर्मूले को क्या चाहिए? नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए ना, 5 चाहिए। ये 5 कैसे पता चले? तो हमने क्या किया, लेन का फॉर्मूला लगाया। तो लेन फॉर्मूला क्या करता है, कंप्लीट लेंथ बताता है कि 18 है ना सर, 18 है। और हमें 13 पता है कि सेकेंड स्पेस 13 है, तो 13 के बाद जितना वो सारा उठाना है, के बाद कितना है कैसे पता चलेगा? ओवरऑल में से 13 को घटा देंगे हम,
तो हमने राइट में जो मैनुअल फाइव लिखा था उसके जगह पे हम बोलेंगे कि लेंथ, कंप्लीट लेंथ माइनस 30। इसको प्रैक्टिस करेंगे कुछ दस समझ में आएगा सर, ऐसे देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को आपको मॉडिफाई करना है। मुझे यहां पे कुछ नेम्स है, ध्यान देकर देखिए सर, इसमें आप इसको खुद बना सकते हैं। पूजा सिंह है, मोहन राय वर्मा है, नीति चंद्रा है, एंड कविता कविता सिंह, सॉरी कविता ऐसे नाम है। मुझे इसमें से अब मेरे यहां पे तो था कि फिक्स था कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम तीनों है, लेकिन मेरे रेटा में फिक्स नहीं है। फर्स्ट दो नेम भी हो सकता है, तीन नेम भी हो सकता है, और एक नेम भी हो सकता है, तीन से ज्यादा नहीं होगा। तो मुझे इसमें से आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देना है, मतलब कि पूजा और यहां पे सिंह हो जाएगा इस तरह से, और मोहन में है तो यहां मोहन हो जाएगा और यहां वर्मा हो जाएगा। समझे सर? ये करना है। अगर इसको कर लिया आपने तो इस सेपरेशन को समझ जाएंगे, ठीक है? मतलब सर आप कह रहे हैं कि मिडिल नेम नहीं आए, वैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए। तो हाँ, क्योंकि मिडिल नेम सब में नहीं है, इसलिए फर्स्ट लास्ट। और इसका यूज हम लोग करते थे जब मैं आईटी सेल्स में था, तो हम इसे यूज करते थे लॉग इन आईडी बनाने के लिए, या बहुत सारे आप देखेंगे जो यूके साइड से मेल्स आता है तो डियर सिंह सुजीत, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही लेते हैं लोग, या फर्स्ट नेम को पहले लेते हैं मिस्टर सिंह, ऐसे लेटर वगैरह जनरेट होता है, मेल वगैरह जनरेट होता है, तो वहां भी यूज होती है, इसलिए ये जरूरत है। इसको कीजिए और करके मुझे भेजिए, ठीक है? फिर कल हम आपको डेट एंड टाइम, ये आप ये कर दी तो ठीक है, नहीं करें तो दोबारा समझा के डेट एंड टाइम की तरफ बढ़ेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।